हरे कृष्णा, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में कि जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में इनको नौकरी मिलेगी, व्यापार क्या करेंगे, आयात निर्यात से क्या लाभ होने वाला है, भूमि भवन की क्या स्थिति रहेगी, वाहन सुख मिलेगा या विदेश यात्रा जाएंगे, या सरकारी नौकरी मिलेगी या उच्च पद प्राप्त होगा, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि आपका शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है और आपको सावधानियां क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है तो आप अपना प्रश्न लिखें, नाम लिखें, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर अगले कार्यक्रम में दे सकें। आइए हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए कि जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का कालखंड कैसा रहेगा। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आपको ख्याति मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और बहुत सारे कार्य एक साथ होने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे। दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है। सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में आपने प्रयास किया है तो आपको उस फील्ड में नौकरी मिलने का प्रबल योग बन रहा है। माली हालत आपकी अच्छी होगी और घर परिवार में नए तरह के कार्य होंगे। जो भी आपने अब तक का प्लान बनाया है, जो कार्य करने की आपने एक रूपरेखा बनाया है, उस सारे रूपरेखा में आपको आश्चर्यजनक रूप से सफलता मिलते हुए दिख रहा है। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। रोग और शत्रु परास्त होंगे। यदि घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आपकी समाप्त होगी और अचानक यात्रा से मन उद्विग्न हो सकता है। और आप लेखन कार्य में रुचि रखते हैं तो लेखन कार्य से धन मिलेगा, साहित्य लेखन से धन मिलेगा और आज आप भूमि भवन जमीन इत्यादि भी खरीद सकते हैं, उसकी प्रबल संभावना बन रही है। और भी बहुत सारे कार्य जो आपने बहुत दिन से प्लान कर रखा है उसमें भी आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। माता पिता का सुख मिलेगा। सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। राजनीतिक लाभ होते हुए दिख रहा है। तो देखा जाए तो यह कालखंड आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यदि आपने कोई भी और ने भी प्लान कर रखा है तो उसमें भी सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। भाग्य से आपके सारे कार्य संपन्न होते हुए दिख रहे हैं। रोग और शत्रु परास्त होंगे। यदि आपने कोई दूरदर्शी योजना बना रखी है तो उस योजनाओं में भी आपको सफलता मिलते हुए दिख रहा है। कोई अज्ञात व्यक्ति से लेन देन अगर करते हैं तो सावधानी बरतें, नहीं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी कि अज्ञात व्यक्ति से कोई डील ना करे, नहीं तो उसमें आज आपको भारी नुकसान होने की संभावना दिख रही है। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करावें आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम गिरणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपके लिए शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है लाल। हरे कृष्ण।